पूरा मेला समाज इस संघर्ष की घड़ी में, इस न्याय की लड़ाई में किरोड़ी लाल मीणा जैसा योद्धा, संघर्ष करने वाला हिंदुस्तान में बिटला कोई आदमी है, उन्होंने अपने भतीजे विधायक महुआ राजेंद्र जी मीणा के साथ जो हमें एक सपोर्ट और सहयोग और एक आश्वासन ये दिया, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके यहाँ बैठने से ये सरकारें हिल रही है, इनकी हालत खराब हो रही है, ये संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, ये संख्या आज नहीं इसे दुगनी करनी पड़ेगी, चार गुना बड़ी करनी पड़ेगी। पिछले 24 घंटे से इस सड़क के ऊपर पड़े हैं और 24 घंटे नहीं 24 दिन भी इस सड़क पर पड़ा रहना पड़ेगा। तो अपने उस भाई के लिए, इस न्याय के लिए, इस सच्चाई के लिए ये कोई इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रीय चेहरा था, पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहा था, उसकी हत्या की जिम्मेदारी ले रहे और जिम्मेदारी चैलेंज के साथ दे रहे, और ये हमारा शासन और प्रशासन नपुंसकों की तरह कानून की बात कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हम ये लोकतांत्रिक तरीके से ये संख्या हमारी बढ़ेगी और ये लड़ाई जारी रहेगी। भाई हमारे इसमें तीन तरह के मुलजिम बताए गए और इसमें भाई हमारे गोवर्धन जी ने कहा कि पहला मुलजिम सबसे ज्यादा दोषी नहीं, आखिरी मुलजिम सबसे ज्यादा दोषी है जिसने हत्या करने का अवसर दिया। ये हत्या हुई इसका उनको अवसर देने वाले लोग इसमें सबसे बड़े दोषी हैं, और बीच के लोग कम दोषी हैं, सबसे आगे वाले तो कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये, लेकिन ये लड़ाई आप लोगों के अनुशासन के बिना नहीं जीती जा सकती। बिना अनुशासन के आप इस लोकतंत्र के अंदर आने वाला राज, जाने वाले राज दोनों की विपरीत धड़कने बनी हुई है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो चार राज आ रहा है, राज आ रहा है, दोनों को गारंटी देनी पड़ेगी कि इसको जड़ से, इस बीमारी की जड़ एक साधारण हत्या नहीं, हमारे नेतृत्व को क्षति पहुंचाई गई, हमारे नेतृत्व को खत्म किया गया है, इस समाज को नेतृत्व ही करने की कोशिश की गई है। किसी को भी चाहे राजस्थान में किसी भी जिले में हो, चाहे तहसील में हो, किसी गांव में हो, चाहे ढाणी में हो, किसी भाई के साथ पीड़ा होती तो सुखदेव सिंह वगैरह मीडिया के खड़ा हो जाता था, और पता चलते ही उस भाई ने अपने सीधा सा मीडिया के द्वारा प्रशासन को चुनौती देता था, पूरे हिंदुस्तान में काम करता था। और आज पहली बार यह आंदोलन राजस्थान की सीमाओं से निकल के पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। देख लीजिए आंदोलन तब सफल होगा, आपकी संख्या चार गुना होगी, 10 गुना होगी, अनुशासन में रहेंगे आप। यदि जोश के अंदर देखिए, यदि गोली मारने से कोई फैसले होते तो छोटा सा काम है, दो पीते कोई भी कर देंगे। इस बीमारी का इलाज कब से करना है, इसकी जड़ें साफ करनी है, इसकी पूरी की पूरी सर्जरी करने की जरूरत है। एक अपराधी ने अपराध नहीं किया, सरकार के शीर्ष पद पर बैठे इन लोगों ने अपराध करवाया है। और इस समाज में आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कोटन रुई कोटन की भी कैपेसिटी होती है एक लेवल से ज्यादा, वो भी नहीं दबती, हम भी कोटन नहीं है। हम आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी उस दिन सीधी कार्रवाई करने के लिए सबसे आगे खड़े होके किसी भी पोस्ट की, किसी भी कैरियर की बिना चिंता की है, मरने मारने के फैसले में सबसे आगे खड़े होके खड़े रहेंगे। आज से 35 साल पहले दिवराड़ा में रूप कवर सती हुई थी,
आंदोलन के योद्धा हैं हम। 35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई कोई और लड़ेंगे भाई, सुखदेव दुनिया से चला गया, राजेंद्र गुंडा भी चला जाएगा, लेकिन समाज की लड़ाई कोई उसके बाद और लड़ेगा, उसके बाद कोई और लड़ेगा। लेकिन इस बीमारी का इलाज यदि ताकत से होगा, गोली से होगा, बंदूक से होगा तो वो भी कर दिया जाएगा। हमारे याद है, किसी से कमजोर नहीं, लेकिन इस टाइम में अनुशासन की जरूरत है और इस अनुशासन में आपकी संख्या बढ़े। शाम के टाइम में भाई लोग बैरू जी को प्रसाद दे, जीवन माता को प्रसाद दे के राजा जय माता जी की धुन भी बजा जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अनुशासन से। और इसके अलावा बातें हो रही है, अब मैं हमारे यहाँ मीर सिंह जी हमारे लगा आगे बढ़ जाओ लंबा जब दिखेगी अपने एक दो फिर शासन के द्रोह आएगी।